उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हॉल कराया खाली, दी सुपुर्दगी। हॉल में कई वर्षों से संचालित थी मस्जिद मदीना। प्रशासन ने एहतियात के लिए लगाए थे बैरिकेड्स। सुपुर्दगी के लिए आधी रात से प्रशासन ने की तैयारी। सुपुर्दगी के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के लिए 5-1 के पुलिस गार्ड लगाए। प्रस्तुत है गंज वासोदा से एलन शोवे की एक रिपोर्ट। उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने पक्षकार आशिक मोहम्मद को पहले 20 दुकानों का और आज हॉल का कब्जा सुपुर्दगी देकर चाबी सौंप दी। सुपुर्दगी के समय राजस्व विभाग, नगर पालिका विभाग के साथ भारी पुलिस बल उपस्थित था। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र में बैरिकेटिंग भी की थी। सुपुर्दगी के बाद पक्षकार आशिक मोहम्मद ने उच्च न्यायालय के साथ साथ स्थानीय प्रशासन का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। ज्ञात हो, विवादित जगह में पीछे की तरफ एक हॉल में कई वर्षों से नमाज अदा की जा रही थी और इस जगह को मस्जिद मदीना नाम दिया गया था। विवादित स्थल के सामने एवं छत पर मस्जिद का बोर्ड लगाया गया था। इस विवादित भूमि में एक पक्षकार स्वयं मध्य प्रदेश शासन था, साथ ही एक अन्य पक्षकार भी था जिसने उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए स्वयं ही हॉल की चाबी प्रशासन को सौंप दी। माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, उन निर्देशों के परिपालन में यहाँ के प्रशासन ने हमें आज कब्जा दिला दिया है। 27 तारीख को दिया था हमें 20 दुकानों का कब्ज़ा, वो पीछे के हाल का कब्ज़ा आज जो है हमें प्रदान कर दिया गया है। और जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था रही बहुत अच्छी रही और उसके हम शुक्रगुजार हैं। और इसमें जो है उन्होंने 1+5 का संभवतः जो है यहाँ फोर्स भी जो है दिया है, हमें उपलब्ध कराया है शासन की ओर से, ताकि आगे कोई किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। कितने वर्षों से ये प्रॉपर्टी के लिए इसमें सन 2011 से ये शुरू हो गया था, तो जिसमें लगभग 58 केस हो चुके हैं और 10 से 12 जो है रिट पिटीशन इसमें जो है लग चुकी हैं। प्रशासन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार इस मस्जिद को, जो कि कम से कम 35-40 वर्ष पुरानी है, तथ्य छुपा के माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह किया गया। उसमें हाल का दर्शाया गया कि हाल है, और चूँकि वास्तविक रूप से मीडिया ने भी उसे देखा, प्रशासन ने भी उसे देखा कि वो मस्जिद है, जा नमाजें, कुरान पाक, हमारे जो भी धार्मिक चीज़ सब मिली गई। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हम सम्मान करते हैं और हमने आदेश का पालन किया है। जो भी हमारी धार्मिक वस्तुएं थी प्रशासन के आदेश अनुसार हमने हटा ली हैं उनको अपनी जगह से। अब आगे की कार्रवाई जो भी होगी हम माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जाएंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। इसमें सभी थोड़ी धार्मिक चीज़ें थी वो बाइज्जत आपने सुपुर्दगी करवाई? हाँ, अपने उसे अपने पोजीशन में ले ली हमने। और जो लड़ेंगे मतलब, और ये हम तो यहाँ पर पढ़ते भी नहीं थे नमाज। जो भूमि स्वामी थे भूरे मियाँ, आज से 35-40 साल पहले उन्होंने ली थी, उन्होंने 4,60,000 रुपये हमसे नकद लिए थे।